प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं प्राइम पब्लिक और सरकार, जिसमें हमारे संवाददाता जिले जिले, क्षेत्र क्षेत्र और विधानसभाओं में जाके बात कर रहे हैं जनता से और जान रहे हैं उनका मूड क्या है, आने वाले चुनाव में किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, किन चीजों से खुश है और किन चीजों से नाखुश है जनता, सभी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता। तो आज किन मुद्दों पर बात हुई है और किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, देखिए। विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और सभी प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। और आपको बता दें कि देवरिया जनपद में छठवें चरण का मतदान 3 मार्च को होना है और लोग अपना मतदान देंगे। और इसी बात पे हम जानना चाहेंगे कि जनता की क्या राय है, जनता किन मुद्दों पे वोट करेगी और किसकी सरकार बनाएगी। भाई साहब, किसकी सरकार बन रही है इस समय? तो हम लोग के ध्यान से अखिलेश का सरकार बन रहा है। अखिलेश की सरकार, बीजेपी क्यों नहीं आएगी? क्या बताया, क्यों नहीं आएगी? क्या लगेगा भाई साहब, इस समय किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी में क्या है? बहुत कुछ है, देख लीजिए क्या नहीं। 5 विकास बताइए आप। हाँ, 5 विकास बताइए आप। देख लीजिए बनारस का, देख लीजिए अयोध्या, देख लीजिए हाईवे का निर्माण हो रहा है। भाई साहब ने कहा अभी अखिलेश की सरकार आ रही है। इनके जीजा हमारे यहीं से कहा था। एक दुकानदार भाई साहब हैं, उनसे भी जानते हैं। भैया, किसकी सरकार बननी चाहिए? सपा सरकार बनेगी। सपा सरकार आएगी? हाँ। बीजेपी नहीं आएगी? बीजेपी आएगी। भाई साहब, किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की। बीजेपी आएगी? बीजेपी ने काम किया है और क्या, बहुत काम। एक यहाँ एक भाई साहब और हैं, उनसे भी जानेंगे कि इस बार किसकी सरकार बनेगी और इसी मुद्दे पे हम लगातार ग्राउंड रिपोर्ट आप दिखा रहे हैं। भैया, किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की आएगी। और जो कमवा कर दिया वो लोग कब आएंगे? कहा भाई साहब ने बताया कि सपा की सरकार आने वाली है। अरे भाई साहब कहा जानेंगे, काम किया है। भाई साहब यहाँ पे लोग खड़े हैं, बाबा जी हैं। बाबा, इस बार किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की बनेगी। भाई साहब ने बताया कि सपा की सरकार आ रही है। अरे कहने दीजिए ना, बीजेपी में आपको क्या अच्छा दिखाई दिया? सब चीज़ अच्छा है। सब महंगाई, हर चीज अच्छा है। लोग महंगाई पे काफी विरोध कर रहे हैं। महंगाई में तो रहे तो क्या किए, खान साहब रहे तो क्या किए। भाई साहब का मानना है कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। यहाँ पे एक भाई साहब और हैं, उनसे जानेंगे। भैया, किसकी सरकार बननी चाहिए इस बार? देखिए, यहाँ पे बीजेपी तो कुछ काम नहीं किया है। अच्छा, फिलहाल अभी सलेमपुर का रोड आप उठा के देख लीजिए, 5 साल में यही हुआ है और महंगाई, तमाम तरह की दिक्कतें हैं। आपके जहन में क्या, किसको वोट करेंगे आप? साइकिल छड़ी। एक यहाँ पे भाई साहब हैं, उनसे भी जानते हैं। भैया, किसकी सरकार बननी चाहिए इस बार? सरकार ने काम किया है, जनता का विकास हुआ है और शहर और गांव का भी विकास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरी जनता मतदान करने जा रही है। अभी भाई साहब ने बताया कि यहाँ विकास नहीं हुआ है। सर, विकास हुआ है। जब कोरोना था सर, कोरोना था, सरकार कुछ विकास को पीछे कोरोना ने किया। विकास कहाँ हुआ, ये सामने है, मोबाइल घुमाइए, ये देखिए 4 लाइन का ये रोड है। बता रहे कि यहाँ विकास नहीं है। विकास को कोरोना ने पीछे किया है सर। विकास को कोरोना ने पीछे किया और फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने जा रही है। इस बार 400 सीटें योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने जा रही है और 400 सीटें भाजपा जीतने जा रही है। जैसा कि मैं आपको लगातार ग्राउंड रिपोर्ट की बात दिखा रहा हूँ और भाई साहब, यहाँ बीजेपी और सपा में टक्कर चल रही है और विधानसभा हम सलेमपुर में मौजूद हैं। लगातार बात कर रहे हैं कि इस बार किसकी सरकार बनेगी। और एक भाई साहब यहाँ है, भैया किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी की सरकार। 5 विकास बताइए बीजेपी का। बिजली का 5 विकास है कि राशन, जो गैस, शिक्षा, बेरोजगारी भी कुछ दूर हुआ है। लोग बता रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है सरकार में। वो कोरोना काल की वजह से ज्यादा दिक्कत हुआ है। एक भाई साहब यहाँ और, इनसे जानते हैं सरकार बनेगी। अरे भाई, अखिलेश को मरने जा रही है क्या? अखिलेश में क्या, बीजेपी विकास नहीं की है? नहीं, अगले बेर जो विकास हो किया तो कोई किया ही नहीं है। यहाँ प्रत्याशी कौन है यहाँ के? मनमोहन प्रसाद। बीएसपी की बनेगी। बीएसपी आ रही है इस बार? और का, बीजेपी और सपा नहीं आएगी? नहीं आएगी। बीएसपी का विकास बताइए, क्या विकास? विकास जो किया है वो किया है और उसी के रास्ते पर सभी लोग चल रहे हैं। भाई साहब यहाँ है, उनसे भी जानते हैं कि इस बार किसकी सरकार बनेगी। सरकार बीजेपी की बनेगी। बीजेपी किस लिए बनेगी कि शीर्ष नेता हमारे अच्छे हैं, हमको विधायक से नहीं लेना देना है। अगर हम सलेमपुर विधानसभा में ओम प्रकाश राजभर को क्यों वोट दें, किस बेस पर दें? वह अलायंस गठबंधन में सीट लेते हैं या सीट बेचते हैं, और फिर वह कैंडिडेट अगर जीत जाता है तो जाके वहाँ वह सौदेबाजी करते हैं। अखिलेश जी से करेंगे, सपा से करेंगे, तो इससे हमसे क्या फायदा है? बीजेपी की 5 उपलब्धियाँ बताएं आप। बीजेपी की सारी उपलब्धियाँ, कोरोना सबसे बड़ा तो कोविड-19 उपलब्धि है। अगर बीजेपी नहीं होती, मोदी या योगी नहीं होते, तो पता नहीं कितनी मौतें हुई होती। दूसरी उपलब्धि है कि इस पीरियड में राशन जो उन्होंने दिया है,
इसमें जो मजदूरों को पैसा दिया है, इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? किसकी सरकार बनेगी? सपा की। सपा की। और ये सरकार अपनी करनी और कथनी से जा रही है, कोई हरा नहीं रहा। ये सरकार अपनी करनी और कथनी से जा रही है, बेरोजगारी और महंगाई पे बातें नहीं कर रही है, और यही मेन मुद्दा है बस। भैया किसकी सरकार बनेगी इस बार? बोलिए। आप किसको वोट करेंगे? आपके जहन में क्या है भैया? किसकी सरकार? भाजपा। भाजपा आ रही है? ये बता रहे हैं कि सपा की सरकार आ रही है सलेमपुर में। अरे बताने दीजिए, समय आएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा किसकी आ रही है। भाई साहब इस बार किसकी सरकार बन रही है, किसकी सरकार आ रही है? अरे आप वोट करेंगे ना? आप तो जान देंगे बार। हम लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं बाबा, और मैं आपको लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूं प्राइम टीवी के साथ रवि रावत देवल। नमस्कार प्रणाम, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं सतेंद्र शर्मा। सभी प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं, चुनावी रणनीति चल रही है, हर प्रत्याशी क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी बीच हमारे बीच एक ऐसे युवा नेता उपस्थित हैं जो बहुजन समाज पार्टी से इनको टिकट मिला है, विधानसभा चुनाव 340 से ये लड़ रहे हैं, विधायक पद के उम्मीदवार हैं। सबसे पहले इनके बारे में हम बताना चाहेंगे कि ये जब नेता नहीं थे उस वक्त एक समाजसेवी होकर के युवाओं का दिल का धड़कन बन करके सभी लोगों से पूरे विधानसभा में इन्होंने जो काम किया, एक मिसाल कायम किया। उसके बाद जनता ने इनको जिला पंचायत सदस्य के रूप में चुना। अब जो है कि ये भाट पर विधानसभा 340 से चुनाव लड़ रहे हैं और विधानसभा में ये जनसंपर्क करते हुए मुझे मिले, और इनका नाम मैं बताना चाहूँगा, अजय कुशवाहा नाम है, बसपा से इनको टिकट मिला हुआ है। सबसे पहले कैमरामैन चाहूँगा थोड़ा सा आगे आ जाए। सबसे पहले हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद भैया। आप विधानसभा 340 से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या मुद्दा रहेगा आपका? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, युवाओं के लिए अच्छा सा कार्य करूँ, ये रहेगा। जैसे आप जब नेता नहीं थे उस वक्त एक समाज सेवी होकर के जो लोगों को कोविड में, जो कोरोना के टाइम जो लोगों तक, सभी ज़रूरतमंद लोगों तक आपने बहुत सारा हेल्प किया, सोशल मीडिया पे मतलब काफ़ी चर्चा आपका चलता था, तो क्या वो सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा? इससे और अच्छा करेंगे, इससे जो विधानसभा में आज तक नहीं हुआ है वो करके दिखाऊंगा पूरा भाट पर विधानसभा में। क्या लगता है भाट पर विधानसभा से यहाँ पे क्या परिवर्तन होने वाला है? एकदम परिवर्तन होने वाला है। आपके जो कुछ खास मुद्दे हैं वो थोड़ा हमारे चैनल के माध्यम से बता दें। मेरे यहाँ सबसे पहले तो स्वास्थ्य बहुत दिक्कत है, कुत्ता का भी, कुत्ता किसी को काट ले उसका जाएगा इंजेक्शन लेने सरकारी अस्पताल में, सदर यहाँ भाट पर आने में, तो वहाँ सुई नहीं लग पाएगा, इसके लिए टाइम देना पड़ता है, दो दिन, तीन दिन, चार दिन बाद आता है। सबसे मैंने बेहाल स्थिति है मैंने हॉस्पिटल की, और यहाँ विद्युत विभाग देख ही रहे हैं कैसे चल रहा है, हर गांव में देख रहे हैं हम लोग, जर्जर तार गिरा पड़ा हुआ है, पता नहीं 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल का एकदम वैसे ही पूरा जर्जर हुआ है, कब कहाँ गिर जाएगा, कब क्या हो जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है उसका। और रोड आप मेरे साथ चलिएगा, मैं दिखाऊंगा, कुकुर घाटी का देख लीजिए, वहाँ से 4 बार सांसद रहे, विधायक रहे, वो माने जाने एक हस्ती ग्राम सभा है, वहाँ का रोड जाकर देखिए, वहाँ का इतना बदहाल है कि मत पूछिए। वहाँ मैंने लमसम ऐसे 2 साल पहले वहाँ लमसम 5 लाख रुपया का ईटा टुकड़ा ईटा गिरवा करके वहाँ डाढ़ भर से ज़्यादा गहरा था, उसको मैंने मरम्मत कराने का कार्य किया था। अभी आप जिला पंचायत सदस्य हैं, अभी विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, जब आप कुछ नहीं थे तो ऐसे कैसे ख्याल आया कि मतलब लोगों के बीच आप आकर के लोगों का सेवा करने लगे? इसे मन में एक अजीब तरह का लालसा देख करके, जैसे मान लीजिए गरीब असहाय लोग बहुत परेशान पीड़ित लोग थे, देख करके मैंने कहा श्रद्धा मैंने आया हमारे अंदर के ये सब करना चाहिए, तो मैं कुछ युवाओं ने हमको बताया कि भैया ये काम होता तो बहुत अच्छा रहता है, ये काम होता तो अच्छा रहता, तो मैंने युवाओं के साथ मैं भी लग गया और मैं पूरा अच्छा से उसका निर्वहन किया। 2020 में जब कोरोना महामारी पूरा विश्व में पूरा अपना तूल पकड़ा था, उस समय मैंने हर घर तक मैंने जो ज़रूरतमंद था उसको राशन पहुँचाना, दवा सब कुछ उसको उपलब्ध कराया था पूरे विधानसभा में। उस समय कोई समाज सेवी, कोई नेता नहीं था उस समय, उसमें सिर्फ एक इकलौता अजय कुशवाहा ही घूम रहा था, सब कोई अपने घर में एसी में बैठ करके मैंने रहते थे सब। चलिए दो शब्दों में बस जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? जनता का बहुत आभारी रहूँगा, और मेरा हमको जनता का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, और मैं आजीवन रेडी रहूँगा।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? इम्तियाज अहमद। ये बताइए, यहाँ पे आप किसी पार्टी के प्रचार कर रहे हैं? जी, बहुजन समाज पार्टी के। कौन है नेता आपका? अजय कुशवाहा जी। क्या लगता है, भाटपाड़ विधानसभा से उनका सीट निकल रहा है? भाटपाड़ विधानसभा की जनता एकदम आतुर है, बदलाव करने के मूड में है, और अजय कुशवाहा जी का विधानसभा क्षेत्र में जनता तहे दिल से स्वागत अभिनंदन कर रही है और पूरा मूड बना चुकी है। 10 तारीख का वेट कर रही है जनता ताकि परिवर्तन करे। अजय कुशवाहा जैसे मिलनसार और कुशल व्यक्तित्व के नेता हमारे विधानसभा में नहीं थे और आज हमारे सभी क्षेत्र के युवा भाइयों के दिलों के धड़कन अजय जी के लिए लग चुके हैं। पूरे क्षेत्र की जनता उनके साथ है और यहाँ की विधानसभा की बदहाल सड़कें और बदहाल नालियाँ और रोड व्यवस्था देख के और जर्जर तारों की व्यवस्था और स्वास्थ्य तो पूछिए नहीं। हम लोग कोरोना के टाइम में अजय भाई के साथ लग के पूरे क्षेत्र में कोरोना के समय लोगों के घरों डोर टू डोर जाके लोगों का मदद करने का कार्य किया था। कैमरामैन भीम के साथ सतेंद्र सर। तो आपने जाना कि जनता का क्या है चुनावी मूड। कुछ लोग तो सरकार के काम से काफी खुश नजर आ रहे हैं तो वहीं कुछ लोग चाहते हैं परिवर्तन। तो आखिर परिवर्तन होगा 2022 में या फिर सत्ता फिर से दोहराई जाएगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी जनता की क्या राय है ये जानने के लिए देखते रहिए प्राइम पब्लिक और सरकार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।